कहते हैं कि प्रतिभाएं गांवों में पैदा होती हैं, शहरों में तो उनकी मंडियां लगती हैं। ये भी कहते हैं कि प्रतिभा न सुविधाओं की मोहताज होती है, न एडिशनल देखभाल की मोहताज होती है। प्रतिभा प्रतिभा होती है, जहां भी जाएगी वो अपने आप को प्रूव करेगी, अपने आप को सिद्ध करेगी। एक कवि ने लिखा है, जहां भी जाएगा रोशनी देगा, दिए का कोई मकान नहीं होता। हमारे साथ आज सिलसी स्टूडियो में एक ऐसी ही होनहार प्रतिभा मौजूद है। प्रतापगढ़ जैसे अल्पविकसित जिले के बिल्कुल छोटे से पिछड़े हुए गांव मंडावरा का रहने वाला शक्ति राज सिंह झाला आज मेरे साथ मौजूद है। आप सेल्सी फाउंडेशन के स्टूडेंट थे, हाल ही में नीट 2018 का परिणाम आया है और इस परिणाम में 12वीं के साथ आपने वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया जो बड़े बड़े शहरों के लोग भी सोच नहीं पाते हैं। गाँव की गोधूली से निकली हुई ये प्रतिभा, नाम के अनुरूप ही शक्ति राज सिंह झाला शक्ति का प्रारूप हैं, पावर का पर्याय हैं। अपने नीट 2018 में जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया लेवल पर 206 206वीं रैंक प्राप्त की है। 12वीं में बहुत शानदार आपका बोर्ड का स्कोर है। 11th और 12th दोनों क्लास आप सीएलसी फाउंडेशन से पढ़े। मैं शक्ति से वो चीज़ें जानना चाहूँगा जिन चीज़ों ने शक्ति आप गांव से निकल करके आए और आज इस मुकाम पर आपको पहुंचा दिया। सीएलसी परिवार की वो एडिशनल केयर, सीएलसी परिवार की वो खास बातें जिन्होंने शक्ति को शक्ति बनाया। मेरा नाम शक्तिराज है, मेरा फादर एडवोकेट है और मदर हाउसवाइफ है। मैं 11th में यहाँ पे फाउंडेशन में नीट की तैयारी और बोर्ड दोनों साथ साथ करने आया था। उसके बाद 12th में थोड़ी सी टेंशन हुई थी कि बोर्ड का क्या होगा, तो उसकी भी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 12th में पूरा जोर मतलब नीट की तैयारी पे लगा दे। 12th तो 12th का जो सिलेबस है वो नीट के साथ साथ हो जाता है, और रही बात हिंदी इंग्लिश की तो आखिरी एक दो महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं। मेरे 12th फाउंडेशन में 91% है, इस कारण से नीट की तैयारी करने से इस पर ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसके अलावा 12th में मेरी थोड़ी सी आँखों में प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया था और घर पर चला गया था। फिर बॉस ने एक पेरेंट की तरह घर पे फ़ोन किया और फिर मुझे बुलाया और फिर मैं यहाँ पे आया और फिर तैयारी करना फिर शुरू की। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी केयर होगी और इसलिए सीएलसी इज़ द बेस्ट और चुनो तो सीएलसी को चुनो। शक्ति कह रहे थे कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाने का नाम सीएलसी नहीं है, सीएलसी सिनोनिम है पेरेंटल केयर का। शक्ति कह रहे हैं मेरी आंखें ख़राब हो गई थी, बॉस मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए, मैं बाहर रूम लेकर के रहता था, बॉस को लगा मुझ में टैलेंट है, वो खुद हॉस्टल में मुझे लेकर के आए और साल भर मेरी केयर की। दोस्तों इसी का नाम सीएलसी है। तभी कहते हैं सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने, अपना गांव की गोधूली से निकली हुई प्रतिभाएं तभी आगे बढ़ पाती हैं जब उन्हें कोई संभालने वाला हो, उनकी कोई पेरेंटल केयर करने वाला हो, और सीएलसी उसी का पर्याय है। आइए हम मिलते हैं शक्तिराज सिंह जी के पिताजी से। आप गौरवशाली हैं, आपके परिवार में ऐसी प्रतिभा मौजूद है, सीएलसी परिवार ने इस प्रतिभा को आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है। आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर करें ताकि जो अभिभावक आपकी तरह गौरवशाली अभिभावक बनना चाहते हैं वो आपसे प्रेरणा ले सकें। मैं राजेंद्र सिंह झला, गांव मंडावरा है, तहसील अर्नौद है और जिला प्रतापगढ़ है। ईश्वर की कृपा से और सीएलसी की कृपा से मैं सीएलसी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे बेटे को आपने इस मुकाम तक पहुँचा है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। इस सीएलसी परिवार ने और यहाँ के बॉस ने इतनी मेहनत की कि मैं खुद मेहनत नहीं कर सकता, मेरा परिवार मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन इस सीएलसी परिवार ने इस बेटे को परिवार जैसा रखा और यहाँ नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया में जनरल कैटेगरी में 206 रैंक आपने सीएलसी परिवार ने दिलाई। मैं पुनः सीएलसी परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रतापगढ़ जिले में जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और जो भी यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़िले में प्रचार करें, क्योंकि हमारा ज़िला थोड़ा पिछड़ा हुआ ज़िला है और वहाँ कुछ जानकारी लोगों को नहीं है। मैं पुनः इस सीएलसी परिवार को कहना चाहता हूँ कि आप प्रतापगढ़ ज़िले में थोड़ा ध्यान दें, जिससे हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं आगे बढ़े और इस भारत देश का और इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।